दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम सद्य राम गोपाल आजाद जी हैं, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। आप पूरी उम्र लोगों के बीच में, बहुजन समाज के लोगों के बीच में काम करते रहे, जबकि एक बहुत बड़े पोस्ट पर थे, चीफ टिकट इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ में आप पोस्टेड रहे। पोस्टेड होते हुए भी बहुजन समाज के लोगों की कहीं ना कहीं चिंता अपने दिल में बसा करके लोगों के बीच में काम करते रहे। आज हमारे बीच में हैं, हम आपको रूबरू कराते हैं। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमोबुद्धाय जय भीम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमोबुद्धाय जय भीम। जो आपने बहुमूल्य समय यूट्यूब चैनल सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अवसर दिया लोगों के बीच अपनी बात रखने का। आप जी का जो है मैं आभारी हूँ। जी सर जी, जब मुझे पता चला आपके बारे में कि आप उरई आ रहे हैं, तो मुझे बहुत इंतजार था। एक साल पहले चर्चा हुई थी आपके इंटरव्यू की, लेकिन समय ना मिलने के कारण के वजह से मैं लेट हो गया। और बल्कि मैं कल लखनऊ से लौटा, मुझे पता चला कि आप उरई पहुंच चुके हो, तो हमने कि नहीं सर जी मैं आ रहा हूं। तो आपने जो समय दे रहे हो मेरे बीच में, मैं बहुत आभारी हूं आपका। तो सर जी, जब हम लोग मिलते हैं तो कुछ चर्चा जरूर होती है। बेशक वो चर्चा का जो विषय इस तरीके का रखा जाता है कि लोगों को लगे कि आज राही जी ने बहुत अच्छी चर्चा की और बहुत अच्छे शख्स के बीच में चर्चा की। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपसे है कि हम देख रहे हैं सर जी कि लोग संगठन बनाने में जुटे हुए हैं, लोगों के संगठन में ज्यादा से ज्यादा हमें दो दो चार चार लोग, ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ मुझे कभी दिखाई नहीं दी है। क्यों? कि लोग संगठित ना होकर के संगठित बनाने में लग गए हैं। आपके क्या विचार है सर? बड़ा मौजूद सवाल है आपका। बाबा साहेब के तीन सूत्र हैं जी, तीन कमांडमेंट्स भी कहते हैं उनको, जो उन्होंने 20 जुलाई 1942 को नागपुर की ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाषणों के संबोधन में कहे थे जी। वो बहुत मशहूर तीन कमांडमेंट्स हैं। मुझे हमेशा इस बात की पीड़ा रही है कि उन तीन सूत्रों को सही क्रम में और सही भावार्थ में हिंदी में खासतौर से ग्रहण नहीं किया गया, बल्कि उसमें डिस्टॉर्शन हुआ, उसका विद्रूपीकरण हुआ और क्रम भंग भी हुआ जी। उसकी वजह से कई जो सार्थक चीजें हो सकती थी उससे अनर्थ और उत्पन्न हो गया। जैसे बाबा साहेब उस भाषण का एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं आखिर में कि माय फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू आर एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज Have faith in yourself and never lose hope। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब होता है कि सलाह के तौर पर मेरे आप लोगों के लिए अंतिम शब्द हैं, शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो जी। अपने में विश्वास रखो और आशा कभी मत छोड़ो जी। बहुत सादा सिंपल सरल भाषा में इसका भावार्थ ये बनता है। लोगों ने क्या किया कि जो तीसरे नंबर का जो है
निर्देश है संकेत। तीसरे नंबर का जो है ऑर्गेनाइज करना जी, उसको दूसरे नंबर पर डाल दिया जी। शिक्षित बनो, संगठित रहो और तीसरे नंबर पर संघर्ष करो। संघर्ष पता नहीं हवा में से कहां से प्रकट कर दिया लोगों ने जी। जबकि सीधा सा मतलब है, मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा हूं, शिक्षा दीक्षा और बाकायदा प्रशिक्षण मेरा अंग्रेजी में हुआ है। डीवी कॉलेज और ऐसे मैंने एम ए इन इंग्लिश किया। अंग्रेजी का छात्र होने के नाते, बहुत अदना सा छात्र और अल्प ज्ञान से मैं कह रहा हूँ, मैं कोई दम्भ और अहंकार की भावना से नहीं कह रहा हूँ जी, कि इसमें जो इम्परेटिव वर्ब इस्तेमाल हुई है, सकर्मक क्रियाएं जिसको बोलते हैं, वो आज्ञा दे रही हैं, शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो। इसमें न क्रम तोड़ने की जरूरत थी, दूसरे को तीसरे पे डालो, तीसरे को दूसरे पे डालो, और न ये करने की जरूरत थी कि एक में बनो कहो, एक में रहो कहो, एक में करो कहो जी। एक रूपता लाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि तीनों का तुकांत जो है करो से होना चाहिए। शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो जी। अब आपका जो सवाल है वो इसी में छुपा हुआ है जी। बाबा साहब कहते हैं संगठित करो, संगठित करने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि आप जो है वो संगठन बनाने में जो कसरत करना शुरू कर दो जी। तो लोगों ने हुआ क्या कि कुछ पर्सनल फीफडम बनाना शुरू किया, अपने जेबी पॉकेटी संगठन बनाने शुरू किए, या तो यश की कामना की भूख की वजह से किए, या अपने प्रचार की भूख की कामना से किए। कारण कुछ भी हो, अगर समाज को सामाजिक रूप से एकजुटता की तरफ करने का भाव होता, वो मनसा और इरादा होता, तो अलग अलग संगठनों का अलग अलग जो है ये खेमा बना के और नए नए खूंटे गाड़ के बिखराव ना पैदा करते। हम डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, करना था हमें इंटीग्रेशन, एकीकरण करने के बजाय हम जो है वो बिखराव की प्रक्रिया में चले गए। सही, तो एक ये उल्टी प्रक्रिया हुई, तो इससे अनर्थ ही होना था, वो अनर्थ हो रहा है और समाज में उस अनर्थ का दुष्प्रभाव भी जो है पड़ रहा है, जिसकी कीमत अदा कर रहा है समाज जी। तो ये आपके सवाल का उत्तर है। मेरी अपनी राय, मेरे अपनी जो है जो समझ के आती है, बाबा साहेब को सन 70 से लेके और 2022 तक के इस सफर के दौरान जो बाबा साहेब का मैंने सांगोपांग अध्ययन और अनुशीलन किया है, उस निष्कर्ष पे मैं पहुंचता हूं कि हमारा अंतिम ध्येय जी समाज को कंसोलिडेट करना है जी। समाज का कंसोलिडेशन होगा, एकजुटता होगी, एकीकरण होगा, तो उसमें व्यक्ति भी उतना ही मजबूती से जो है वो तैयार होगा। समाज की मजबूती होगी, व्यक्ति की भी मजबूती होगी। सर जी, अब इसी के सटीक बिल्कुल आपका दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है जी, कि बहुजन समाज के, अभी मैंने बात जो की है जी कि लोगों ने संगठन बनाना चालू कर दिए हैं जी, लेकिन संगठित नहीं है जी। अब लोगों को संगठित कैसे किया जाए? बिल्कुल, ये हमारे लिए यक्ष प्रश्न है और प्रासंगिक प्रश्न है। हमने देखा है कि बाबा साहेब ने एक क्लासिक बुक तैयार की थी जो बेजोड़ है, आज भी है, बहुत लासानी है, लाजवाब है, और वो किताब थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के मायने है जाति भेद का खात्मा जी, जाति भेद का उन्मूलन, जाति व्यवस्था का समूल नाश। इधर एक नया एक व्यामोह लोगों में पैदा होना शुरू हुआ कि जाति का अपना लेबल लगा के कास्ट प्राइड की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं लोग जी। कास्ट प्राइड की तरफ ही नहीं बढ़ रहे हैं लोग, जाति और उपजातियों में अपने गोत्र तक जो है अपना जो है वो सर्प ताज बना के लेके घूमना शुरू कर दिए हैं जी जी जी। तो ये हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है। जितना हम जाति से चिपकने की कोशिश करेंगे, जाति तबाही के कारण हैं जी, बर्बादी की जड़ें हैं,
इन बर्बादियों से हमें बचना है तो जातियों को पलीता लगाने की जरूरत है, जरूरत है, सही कह रहे हैं। अगर हम जो है चाहे वो कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, बहुजन समाज का लोग, हमें दूसरों से लेना देना नहीं है जी। उनका सारा जो है ओढ़ना बिछौना, उनका जीवन, उनका ध्येय, उनकी लक्ष्य, उनके मकसद उससे पूर्ति होते हैं, उनके फायदे उनसे जो जुड़े हुए हैं, लिहाजा वो तो खत्म करेंगे नहीं सर जी। लेकिन हम जिससे पीड़ित रहे हैं, हम जिसके सफरत रहे हैं, उसी को हम पाल रहे हैं, उसको पल्लवित पोषित कर रहे हैं। ये विरोधाभास हमारे बर्बादी का कारण बन रहा है। इस बर्बादी से बचना है तो हमें चमार, धोबी, धानक, भंगी, मेहतर, काछी, कुशवा वगैरह वगैरह इतने जितने जो है बहुजन समाज की जो जातियां हैं, जो तमाम टुकड़ों में बांट दी गई थी, ये उनका खुद का चयन नहीं था, बांटने वाले का, बांटने वाले दूसरे थे, वाले का उद्देश्य था, उद्देश्य उसमें दूसरों का था जिन्होंने बांटा था। हमारा उसमें उद्देश्य भी नहीं था, और दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों का वो चयन भी नहीं था, उन्होंने अपने मन से कहां चुनी है जाति। सही बात है। कौन व्यक्ति चाहेगा कि हमको भंगी बना दो साहब, कौन व्यक्ति चाहेगा कि हमको चमार बना दो, कौन व्यक्ति चाहेगा कि हमको साहब जो है धोबी बना दो, जब बनने की बात होगी वो कहेगा हमको ब्राह्मण बना दो, बना दो। तो उनकी चाहत तो थी नहीं, दरअसल हमारे पुरखों पे ये लादी गई गुलामी थी जो दूसरों ने लादी थी। अब दूसरों की गुलामी जो लाद दी गई है जी, उसको लादने में अगर हम गर्व महसूस करें, कोई जाट अब कहे अरवार, कोई दोहरे, कोई जो कोरी, कोई शाकेवार वगैरह वगैरह, इनके अगर जो है ताबीज बना के हम घूमते रहेंगे तो हमारा सत्यानाश ही सत्यानाश है, होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। इसको हमें किसी दुश्मन को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। तो अब दुश्मन को अपने गले में बांध, बिल्कुल अपने आप वो जिस दुश्मन को आप गले से चिपका रहे हो, पता नहीं वो गला लगने के बहाने आपका गला दबाने के लिए, सही बात है, उसकी जो है खोटी मंशा दिमाग में है। तो जाहिर सी बात है कि इन संगठनों का जो है मोह हमें छोड़ना पड़ेगा, और जाति का जो अभिमान है, कास्ट प्राइड है, उसको लात मारने का साहस और हिम्मत और ये दमखम और कलेजा हमने जो है तैयार करना होगा। ये तैयार करेंगे एक चीज, इसके बाद आपस में हमें बंधुभाव पैदा करना है जी। हम एक जमात हैं, जात को छोड़ के जमात की तरफ जाना है हमें। जाति की नींव मजबूत करते रहोगे आपकी इमारत उतनी ही जर्जर और जो कमजोर होती चली जाएगी, चली जाएगी। सही। इसलिए बाबा साहेब ने उस किताब में ही उल्लेख किया है कि जाति के नाम पर ना